अच्छा है, टेस्टी है, मस्त है, एक नंबर। जोहार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको हम लोग लेके आए हैं दला दली चौक के पास में सरना होटल, जो कि अपने मटन चावल के लिए पूरे रांची में फेमस है। यहाँ का मटन चावल खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो आज हम लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे गर्मा गर्म मटन और चावल खाने के लिए, और अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे ये लोगों का मटन बनता है। बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में ये लोग मटन बनाते हैं और मटन खाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। तो अभी सुबह के बज रहे 10 और गर्मा गर्म यहाँ पे मटन चावल तैयार हो रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको दिखाते हैं कि कैसे मटन बन रहा है, कितने में मटन मिल रहा है और कितना अच्छा स्वाद है इस मटन का। तो आइए हमारे साथ और आपको दिखाते हैं। सो दोस्तों देखिए, तैयारी जोरों शोरों से है और जितना भी आप डेग देख रहे हैं ना, सारे में मटन है, चावल है और सुबह का टाइम है, यहाँ पे कस्टमर्स आने लगे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। और इसमें भी मटन है, इसमें भी मटन है भैया, ये दोनों में मटन है क्या? हाँ, दोनों में मटन है। अच्छा, दोनों में मटन है और एक वहाँ पे आप देखिएगा वहाँ पर भी मटन है, होने वाला है। तो टोटल कितना डेग बनता है? 3 डेग बनता है मटन। 3 डेग, हाँ। और चावल? चावल तो पूछे मत, 3-4-5 बार हो जाता है। अच्छा, बैक टू बैक चावल बनते रहता है। अच्छा, तो गर्मा गर्म आपको हमेशा खाना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक की खत्म होने पे दूसरा डेग पे मटन चढ़ा हुआ है और गर्मा गर्म परोसा जा रहा है। तो देख सकते इधर बन ही रहा है। कितना टाइम लग जाता है भैया बनने में? बनने में भाई लगभग आपका 1.5 घंटा लग जाता है। 1.5 घंटा? हाँ, मतलब खूब अच्छे से मटन को पकाते हैं। हाँ, 1 घंटा आपको इसको भूनने में लग जाता है और आधा घंटा फिर पानी डालने में इसको पकाते हैं। हाँ, गलाते हैं, मतलब कि मटन को अच्छे से पकाया जाता है और ताकि टेस्ट है, इसलिए इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और उधर दिखाते हैं आपको, आइए, इधर भी मटन तैयार हो रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो गर्मा गर्म मटन जो है लगभग तैयार हो चुका है। और देख सकते हो ये है चुस्ता पीस, जिसके दीवाने हैं सारे लोग। बुकिंग चलती है इसके लिए ना भैया? और मटन मॉर्निंग में ही बुकिंग चलता है, मॉर्निंग में ही बुकिंग चलती है। मटन इसमें पकाया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन। सो दोस्तों आप देख सकते हो मटन यहाँ पे तैयार हो रहा है। और कितने बजे से शुरू करते हैं खिलाना, समय क्या रहता है आप लोग? यहाँ 10 बजे से, क्योंकि ठंडा है अभी इसलिए थोड़ा सा लेट होता है। अच्छा। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। अच्छा, यहाँ खिलाया जाता है। और बृहस्पतिवार को बंद ही? बृहस्पतिवार बंद रहता है यहाँ, उसके साथ में हम लोग मटन के साथ मछली भी यहाँ रहता है। अच्छा, मछली भी रहता है? मछली भी रहता है, 70 रुपया प्लेट मटन का है, 130 रुपया प्लेट। अच्छा, 130 रुपया में कितना पीस मटन रहता है? 2 पीस मटन। अच्छा। और एक्स्ट्रा पीस लेने से 60 रुपया पीस। अच्छा, मटन। अगर आपको खोजने में दिक्कत हो रही है तो किसी से भी पूछिएगा कि रिंग रोड में धोनी सर का घर कहाँ पे है, उसी के पास में आपको ये सरना होटल मिल जाएगा, बहुत फेमस है और सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी रहती है यहाँ पे। और अभी मटन लगभग तैयार ही हो गया है, तो अभी हम लोग बैठ के मटन का स्वाद आपको बताएंगे कि टेस्ट कैसा है यहाँ का खाने का। तो चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे खाना निकल चुका है और यहाँ पे चिप्स है, सलाद है और चावल है। हरे पत्ते में इस तरीके से खाना परोसा जाता है, आप देख सकते हो गर्मा गर्म चावल है और इधर मटन भी है। सो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो मटन है वो सर्व किया जा रहा है और हरे हरे जो दोने और पत्री है उस पे सर्व होता है। और गर्मा गर्म जो मटन है वो बिल्कुल, अगर मैं साइज की बात करूँ तो मटन का जो साइज है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा साइज है, पूरा पैसा वसूल है और ग्रेवी भी आपको भरपूर यहाँ पे मिल जाती है। तो खाने का मज़ा ही कुछ और है यहाँ पे, इस तरीके से जो खिलाया जाता है झारखंडी देसी स्टाइल में, आप देख सकते हो। और देख सकते हो दोस्तों मटन यहाँ पे बन रहा है। तो दोस्तों देखिए, 2 पीस मटन है और चावल है और ये है 130 रुपए की पूरी थाली।
130 रुपया में दो पीस मटन और चावल आपको मिल जाएगा। So, दोस्तों देखिए यहाँ पे खाना लग चुका है और इधर मटन है, अभी मटन निकलेगा। और ये देखिए भाई चुस्ता पीस, कटिंग करना कहाँ मांगा है। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बादल है, बादल और आगे हम लोग का खाना। तो दोस्तों हमारा खाना आ चुका है, मटन चावल, गर्मा गर्म मटन चावल, और भूख भी बहुत जोर से लगी हुई थी। बिल्कुल, तो चलिए आपको खा के यहाँ का टेस्ट बताते हैं। मुंह पे तो पानी आ रहा है। कैसा है टेस्ट? करी का टेस्ट तो बहुत बढ़िया है, मटन ट्राई करते हैं। बहुत टेस्टी है और पका भी बहुत बढ़िया से है। बहुत टेस्टी, बहुत देसी, बिल्कुल फुल देसी स्टाइल में सर्व भी किया गया है, पतरी और दोना में, और इसके साथ सलाद और चटनी और ये चिप्स भी मिलेगा साथ में। और जो मटन की क्वांटिटी की बात करें ना, वो भी बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों देखिए बादल खा रहा है, कैसा है बादल? एक नंबर। हेलो, कैसा है? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखिए अब इधर तैयारी शुरू हो गई है, लोगों का आना शुरू हो चुका है, और यहाँ पे है चाची। तो अभी कितना बहुत भीड़ हो जाएगा? हाँ, मतलब 11:30 बजे तो 12 बजे तक बहुत भीड़ हो जाता है। अच्छा, तो मतलब कि यहाँ पे रोज दिन बहुत सारे लोग आते हैं खाने के लिए, बहुत भीड़ हो जाता है ना? जी भीड़। सबसे ज्यादा कौन दिन भीड़ होता है आपका? फ्राइडे को और बुधवार को। अच्छा, और संडे बहुत भीड़ होता है। बृहस्पतिवार को तो बंद रहता है। बृहस्पतिवार बंद रहता है। अच्छा, तो बहुत ज्यादा भीड़ रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी पूरा लोग यहाँ पे भर जाएंगे और बहुत सारा मतलब के भीड़ हो जाएगा खाने वाले को। तो इससे पता चलता है कि यहाँ का मटन का जो स्वाद है ना, वो बहुत ही बेहतरीन है। तो अभी हम लोग कुछ लोगों से पूछेंगे कि उनको कैसा यहाँ का टेस्ट लग रहा है, बातचीत करके पता करते हैं कि बाकी लोगों को स्वाद कैसा लग रहा है। ठीक, तो कैसा लगा टेस्ट आप लोग को? अच्छा है, टेस्टी है। क्या मटन चावल खा रहे हैं? बिल्कुल मटन चावल खा रहे हैं, साथ में इसके ये चिप्स भी दिया हुआ है। तो अक्सर आते हैं यहाँ पे? पहली बार नहीं, अक्सर आते रहते हैं। हाँ, कभी भी छुट्टी मिलता है या कभी मटन खाने का मन किया तो इधर आ जाते हैं। चलिए एंजॉय कीजिए। कैसा लग रहा है भैया खाना? अच्छा लग रहा है भैया। अच्छा है? अच्छा है भैया। आपको कैसा लगा? अच्छा, मस्त। तो पहले आप आए हैं यहाँ खाने? आए भैया। आए हैं, अच्छा लगता है? तो मटन चावल खा रहे हैं? कैसा लग रहा है भैया खाना? मस्त है, पूरा मस्त है, मजा आ रहा है। मटन एक नंबर बना है। मटन मस्त बना है, मस्त बना है। तो पहले आप खाए हैं यहाँ पे? खाए पहले भी। पहले भी खाए हैं? तो फिर आए दोबारा खाना भैया। क्या बात है। तो मटन चावल खा रहे हैं भैया लोग, मस्त है, मस्त है।
मजबूरी से आए खाने अपना दूर। कितना कहाँ से आए हैं? रातों से 3 किलोमीटर से बस्ती से। हम लोग भी 10 किलोमीटर से। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा। अच्छा लगा। रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। रेगुलर आते हैं। ठीक है, तो मटन चावल खाएं आप लोग। कैसा था टेस्ट? बहुत अच्छा। अच्छा था, मजा आया। अरे भैया लोग, आप लोगों को कैसा लगा टेस्ट? बहुत सुंदर। अच्छा है। तो लोगों को यहाँ पे आके खाना चाहिए या क्या सजेस्ट करेंगे आप लोग? बिल्कुल आना चाहिए। आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो कितने सारे स्टाफ लोग हैं यहाँ पे, सारे लोग, और सारे लोग बहुत ही अच्छा काम करके हमें अच्छा खाना खिलाते हैं। तो सबको धन्यवाद, और बोल दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने पेट भर के खाना खा लिया है, मटन चावल। कैसा लगा बादल? बहुत ही बढ़िया था टेस्ट। तो आप लोग भी एक बार जरूर सरना होटल आइएगा और यहाँ का टेस्टी मटन और चावल का लुफ्त उठाइएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिएगा नितीश एंड कुजीन।